असलमकम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइगर बाय विलियम ब्लेक विलियम ब्लेक हैज रिटर्न सम मास पीसेज द टाइगर इज वन ऑफ दैम इस पोएम में uh, पोइट ने जहाँ पर एक तरफ पावर uh, को एक किस्म का ट्रिब्यूट पेश किया है पावर की क्रिएशन पे एक किस्म की हैरत का इजहार किया है वहाँ पे इस बात पे भी हैरत का इजहार किया है कि किस तरह से द सेम क्रिएटर कैन क्रिएट वेरी स्ट्रॉन्ग क्रीचर्स एंड वेरी वीक क्रीचर्स एट द सेम टाइम यानी किस तरह से बहुत ज़्यादा ताकतवर चीज़ें और बहुत ज़्यादा कमज़ोर चीज़ें एक ही खालिक जो है वो तख्लीक कर सकता है लेकिन पूरी पोइम में अगर जो है हम देखें विलियम ब्लेक इज एज मच इंस्पायर्ड बाय द फोर्स बाय द बॉडी स्ट्रक्चर बाय द होल क्रिएशन ऑफ टाइगर लेकिन उसका प्रॉब्लम uh, जो है वो यहाँ पे उसकी जो स्केप्टिसिज्म वो यहाँ पे आके सामने आती है जब वो सोचता है कि किस तरह से द सेम क्रिएटर कैन क्रिएट टू वेरी डिफरेंट थिंग्स Uh, इस पोईम पे इस पोईम में जो है वो यही कमेंट्री जो है वो वाजे होके जो है वो नजर आती है तो so स्टूडेंट्स हम इस पोएम को पहले देखते हैं विल बी डिस्कसिंग इसके टेक्स्ट को हम जो है वो देखते हैं टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट वट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फीयरफुलट्री अब इस अगर इन इस पूरे सैनजा में अगर हम जो है वो किसी वर्ड को मुश्किल पाते हैं तो वो समिट्री हो सकता है समिट्री मीन तनासब उर्दू में जो सबसे क्लोज तरीन वर्ड जो है वो इसका तनासब हो सकता है यानी प्रोपॉर्शन अब टाइगर टाइगर यहाँ पे वर्ड की रेपिटेशन से स्पेशल काइंड ऑफ अफेक्ट है वो आप इस एलिट्रेशन को जो है वो देख सकते हैं साउंड्स को uh, किस तरह से जो है वो मिलाया uh, गया इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट अब ये लाइन जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है रात के जंगल अब रात के जो है वो जंगल जो है वो क्या है अब एक बात जो है वो याद रखने वाली है के इंग्लिश uh, पोएट्री में या इंग्लिश लिटरेचर में या लिटरेचर थ्रू आउट द वर्ल्ड नाइट को जो है वो इविल के साथ जो है वो एसोसिएट किया गया है और यहाँ पे जो है फॉरेस्ट एंड नाइट दोनों को जो है वो मिला के एक uh, किस्म की मिस्ट्री जो है वो क्रिएट की गई है व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दय फियरफुल सिमेट्री के uh, जो भी ही हु एवर इज योर क्रिएटर दैट दैट इज इमॉर्टल वो इमोटल है और एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम आवर नॉलेज ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन वी नो दैट ओनली गॉड इज इमोटल तो खुदा के लिए जो है वो ये के वो लाफानी हाथ और वो लाफानी आँख ये यानी ये तुम्हारा खौफनाक किस्म का प्रोपोर्शन तुम्हारे खौफनाक किस्म का जिसम जो है वो किसने uh, कौन बना सकता था <coughs> तो यहाँ पे जो है वो इस क्वेश्चन पे इस को जो है वो ख़त्म किया है एंड अगेन आर्ग्यूमेंट जो है वो कंटिन्यू इन वीप और पता है और आसमान के लिए इस्तेमाल uh, होता है बर्ड द फायर ऑफ दई यानी ये तुम्हारी आंखों की जो आग है जो तुम्हारी आंखों में जो है ये रोशनी जो है वो डाली गई ये कहाँ पे ये uh,

और किसने जो है वो इस आग को जो है वो पकड़ा होगा जिसकी वजह से यू क्रिएटेड पोएट इज ड्रेसिंग अगर आप जो है वो देखते हैं एंड वट शोल्डर वट आर्ट यहाँ पे डिफरेंट पार्ट ऑफ द टाइगर इंस्पायर अ सॉर्ट ऑफ ऑफ सॉर्ट ऑफ फियर इन पोएट वो उसके शोल्डर्स और वट आर्ट यानी कौन सा वो फन था could twist the sinews of thy heart ab ye sinews jo hai word uh, ye this is uh, very much important it is used uh, for the muscles ke ye tumhare jo dil ke muscles hain uh, which are so uh, your heart which is so fearful which make uh, you uh, which uh, make uh, you so strong तो वो किस तरह से इनको जो है वो बनाया गया होगा uh, किस तरह से इनको जो है वो क्रिएट किया होगा एंड वेन दाई हार्ट बीट बिगन टू बीट

क्रिएटर और क्रिएशन के दरम्यान में जो ताल्लुक है कि व्हेन यू आर मेकिंग समथिंग समथिंग वेरी फियरफुल विच यू थिंक कैन बी वेरी मच डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव तो आप यू योर सेल्फ अंडरगो अ सॉर्ट ऑफ टेरर उस टेरर को जो है वो पोइट हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हैं थ्रू डिफरेंट क्वेश्चंस वट द हैमर अब यहाँ पे जितनी भी अमिजरी जो है वो ली गई है वो सारी की सारी आ, या तो वॉर अमिजरी जो है वो आप इसको कह सकते हैं या ये ब्लैक स्मिथ रिलेटेड अमिजरी है कि किस किस्म का वो अथौड़ा होगा अब यहाँ पे पोइट पिछले सेंजाज में अगर जो है वो देखें जिस तरह से आर्ग्यूमेंट जो है वो डेवेलप करने की कोशिश कर रहा है द पोइट वॉन्ट्स टू सजेस्ट दैट दे वॉज अ वर्कशॉप एंड दैट वर्कशॉप वॉज द प्लेस वेयर द लाइन वॉज बींग हैमर्ड जहाँ पे उसको जो है वो तैयार किया जा रहा था लाइक समथिंग इज मेड फ्राम हैमर जिस तरह से वेपन वगैरह भी सोर्ड वगैरह उनको बनाने के लिए एक खास किस्म के औजार इस्तेमाल होते हैं वट द चेन वो चेन किस किस्म की थी इन वट फर्नस वॉज दा ब्रेन किस किस्म की भट्टी में तुम्हारा जहन जो है

टैस यानी किस वो कौन सी हिम्मत थी जो जिसने, जिसने इस खौफ को जो है वो पकड़ा हुआ था एक्चुअली गॉड हु क्रिएटेड टाइगर एंड बट दट पोएट इज यूजिंग वेरी कॉमन इमेजरी इन ऑर्डर टू मेक हिज रीडर्स और हिज ऑडियंस अंडरस्टैंड इन वेरी इजी टर्म्स के वो बड़ी आसानी से जो है वो इस बात को जो है वो uh, समझ सके और आजकल जब जो है हम डिफरेंट किस्म की मूवीज देखते हैं वहां पे वेन समथिंग वेरी डेवलश इज बीइंग क्रिएटेड तो उस किस्म का एनवायरमेंट पोइट uh, जो है वो यहाँ पे क्रिएट uh, करता हुआ नजर आता है नेक्स्ट <coughs> सेंजर जो है वो अगर आप देखते हैं वेन द्र थ्रू डाउन देयर स्पीयर्स अब क्या कि जब स्टारों की रोशनी जो है वो नजर आई अब ये स्टार्स की रोशनी को स्पेयर्स कहना एंड देयर टीयर्स ये लाइन भी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे विलियम ब्लेक इज पर अगेंस्ट क्रिएशन ऑफ फोर्स क्रिएशन ऑफ पावर बिकॉज ही एसोसिएटेड पावर और फोर्स विद डिस्ट्रक्शन वो तबाही के साथ जो है वो इसको जो है वो मुंसलिक करता है इसलिए जो है एंड वॉटेड है वो इस रोशनी में इस क्रिएशन को जो है वो देखा दे एंड हेवन वॉज वॉटेड यानी आसमान पे भी जो है उनके आंसू जो है वो पड़े वहां पे जो है वो उन्हें यानी इस बात का जो है वो दुख हुआ जब उन्होंने इतनी फियरफुल फुल किस्म की क्रिएशन को क्रिएट होते हुए जो है वो देखा या उसको क्रिएटेड फॉर्म में जो है वो देखा डिड ही स्माइल इज वर्क टू सी अगेन यहाँ पे इमेज जो है वो लिया गया एंड वी आर फिनिश्ड विद दैट क्रिएशन एंड इफ वी फाइंड अवर क्रिएशन परफेक्ट एंड आवर पर ग्रेट वी स्माइल वी फील प्राउड ऑफ अवर सेल्फ यहाँ पे ही इज आस्किंग द क्वेश्चन वेद द क्रिएटर फेल्ट प्राउड ऑफ सींग्रिएशन इन द लाइट ऑफ स्टार जो है वो मुस्कुराया था अपने काम को देख के उसने व्हाट्स पावर ही हैज क्रिएटेड अच्छा अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है ये स्केप्टिसिजम uh, जो पोइट uh, में नजर आती है विलियम ब्लेक जो है वो ही वॉज अगेंस्ट पावर ही वॉज अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन ही ऑलवेज थॉट That power, uh, is, uh, only to destroy. Power, जो है है, वो तबाही लेके आती है, बर्बादी जो है वो लेके आती है अब अगर जो है वो इसे मॉडर्न कॉन्टेक्स में भी जो है वो देखा जाए तो ऐसा ही है पावर इंसान जो है वो दूसरों को बर्बाद करने के लिए दूसरों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं नहीं? अब टाइगर की क्रिएशन भी जो है वो खुद से ऐसी है कि दिद ही हु कि जिसने क्या उसी ने जिसने जो है वो लैम लैम जो है वो बड़ा कमजोर सा जानवर है लैम जो है वो इसकी ये मेटाफरिकली बहुत ज्यादा जो है वो यूज होता है एज अ मेट ब्लैक की पोइट्री में लैम जो है वो स्टैंड फॉर गॉड लैम स्टैंड फॉर क्राइस्ट एंड लैम स्टैंड फॉर कॉमन ह्यूमन बींग्स उन सब लोगों के लिए भी ब्लेक ने अपनी पोइट्री में इसको जगह, जगह जगह जो है वो इस्तेमाल किया क्वेश्चन uh, जो ब्लेक जो है वो यहाँ पे पूछ रहा है क्या उसी ने जो है वो जिसने जो है वो बहुत वीक किस्म की क्रिएचर जिस तरह से जो है वो क्लैम होता है उसी ने जो है वो एक टाइगर जो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव किस्म की फोर्स है जो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव किस्म की क्रिएचर है क्या उसी ने ही ये जो है वो सब कुछ जो है वो पैदा किया दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड दिस क्वेश्चन कैन बी अंडरस्टूड वेन वी वेन वी एनालाइज ब्लेक ऑफ कॉन्ट्रेजिनस जब हम ब्लेक का, का जो है वो देखते हैं तजाद का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो देखते हैं वहां पे हम इसको जाके थोड़ा सा जो है वो जस्टिफाई कर देते हैं अदरवाइज जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्केप्टिसिज्म क्लियर है कि किस तरह से द सेम क्रिएटर हु क्रिएट्स वेरी वीक थिंग्स इन नेचर कैन आल्सो क्रिएट वेरी पावरफुल वेरी मच डिस्ट्रक्टिव फोर्स इन द सेम यूनिवर्स तो लास्ट लास्टा स्टूडेंट्स जो है वो फर्स्ट को जो जो है है वो वो रिपीट किया इससे पोएम के ओवरऑल मैसेज का असर इम्पैक्ट जो है वो बढ़ता है टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट वे Their frame, thy fearful symmetry. तो इस यहां पर जो है उसी फर्स्ट वाला है उसको जो है रिपीट करके इम्पैक्ट को जो है वो इनक्रीज किया गया तो स्टूडेंट हम इस पोएम को पढ़ने के बाद देख सकते हैं कि इट इज वन ऑफ द वेरी मच इंपॉर्टेंट पोएम रिटन बाय विलियम ब्लेक इन नाइनटीन सेंचुरी क्योंकि अब दुनिया जिस तरह से दुनिया अब चेंज हुई है या जितनी पावर के साथ पावर वर्शिप जो है वो अब आई है हम एक तरफ जो है वो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं हम बात करते हैं भूखे को खाना खिलाने की हम और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं दूसरी तरफ जो है हम क्या कर रहे हैं हम बड़े ही खतरनाक किस्म के जो है वेपन्स डेवलप कर रहे हैं हम अपने रिसोर्सेज को आ, इंसान की तबाही का सामान तैयार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये जो है वो हर जगह पे हो रहा है एंड द बिगेस्ट नेशन एंड मोस्ट सिविलाइज नेशन आर डूइंग इट मोर जो ज्यादा तहजीब याफ्तावतें हैं वो इसको जो है वो ज़्यादा कर रही हैं अगर जो उनके पास जो है वो परिटेक्सट है कि वो दे आर डूइंग इट इन ऑर्डर टू फाइट द ईवल फोर्स ऑफ द वर्ल्ड लेकिन हम जो देख सकते हैं कि पावर वेन यू अकामोलेट सो मच पावर यू यूर सेल्फ बिकम जो है ईवल आप खुद से जो है वो ईवल बन जाते हैं आप दूसरी कौम, कौमों पे जो कॉमो को जो है वो इन्वेड करते हैं अटैक करते हैं उनको अंडर प्रेशर रखते हैं उनसे अपने अपने मर्जी के मकासद जो है वो हासिल करते हैं ज्यादातर फायदा आप अपने लिए हासिल करना चाहते हैं तो इसीलिए ये सारी की सारी पावर गेम जो है वो चलती है तो किस तरह से एक इंसान में ये टू ऑपोजिट फीलिंग्स जो है वो मौजूद हैं लेकिन इसके बावजूद अगर जो है हम देखें इन टू ऑपोजिट फीलिंग्स की वजह से इंसान जो है वो तरक्की करता है इंसान जो है वो जिंदगी में आगे बढ़ता है सपोज अगर इंसान में ये पावर अक्वायर करने के फीलिंग ही ना हो तो पावर का बहुत बड़ा पोर्शन जो इंसानी मसाइल को हल करने के लिए आता है वो कभी भी ना आए <coughs> इसी तरह से अगर इंसान जो है वो बिल्कुल मीक बन जाए बिल्कुल जो है वो कमजोर जो है वो बन जाए तो उससे और किस्म के मसाइल पैदा होते हैं तो ये पावर ये दो जो अपोजिट थिंग थिंग्स हैं दे द यूनिवर्स इन वर्ल्ड सिंस द बिगनिंग एंड दे विल प्रेजेंट फॉर एवर बट अट ऑफ बैलेंस बिटवीन दीज टू थिंगेस वो जो बैलेंस अगर आ जाता है तो वो प्रोग्रेस आ जाता है छोटी सी मिसाल से मैं इसको वाजे करूं अगर मैं जो है वो बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ मेरा अपोनेंट भी बहुत ज्यादा जो है वो ताकतवर है तो ये ताकत हासिल करने के लिए जो सफर हम लोगों ने तय किया है उसको हम बहुत सारे बेहतर कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन द अदर हैंड अगर जो है मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ मेरा अपोनेंट जो है वो बहुत ज्यादा वीक है तो फिर जो है वो क्या होगा कि मेरी ताकत जो है अ, मेरे अपोनेंट को डिस्ट्रॉय करने अ, के लिए इस्तेमाल होगी इसलिए अ, पावर का होना जो है वो लाजमी और लेकिन पावर में जो है वो बैलेंस होना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है बाकी कमजोर चीजें जो हैं वो कायनात में हैं वो रहेंगी उनका जो है वो रोल अल्लाह ताला ने जो है वो और तरह से बनाया है और वो उसी रोल में फिट होते हैं स्टूडेंट्स आई विल बी वर्किंग ऑन एम ए पार्ट इंग्लिश एम ए पार्ट टू एम ए इंग्लिश पार्ट टू एंड आई विल बी डिलीवरिंग दिस सॉर्ट ऑफ वीडियो लेक्चर्स ऑन कंटिन्यूअस बेसिस इफ यू थिंक दे कैन हेल्प यू आउट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड लिटरेचर यू शुड सब्सक्राइब माई चैनल एडमेट पब्लिक ऑन यूट्यूब Uh, thank you very much uh, for listening it. Inshallah, we will be talking about something else in our next video lecture. Till then, Allah hafiz.